हेलो 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 गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग एमसी की सीरीज में हम बच्चों हमारी एमसी की सीरीज चल रही है और अपने एमसी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं बच्चों आज की जो हमारी सीरीज है छठवीं जो है आज हमारा सीरीज का छठवां जो है आपका वीडियो है स्टार्ट करते हैं बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे आज थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा आपका ज्यादा हो लेकिन आज शुरुआत करते हैं सर इतना लेट कौन होता है। My dear, यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, कुछ दिन चल जो है, बिल्कुल बोल गया है तो जैसे तैसे बहुत दो स्टूडियो चलते हैं बच्चे हमारे तो टाइमिंग वहां पर वहां पड़ती है वहां से अगर वहां पर डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां से लेकर फिर दूसरे स्टूडियो में जाना पड़ेगा पड़ता है तो थोड़ा सा टाइमिंग का हो जाता है बच्चों थोड़ा सा कुछ दिन की प्रॉब्लम है बच्चों कुछ दिन की प्रॉब्लम है पवन टाइगर आईटीआई ऑफिशियल बच्चों कुछ दिन की प्रॉब्लम है थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया था आजकल थोड़ा सा यहाँ पर कुछ काम चल रहा है स्मार्ट सिटी से रिलेटेड पोल शिफ्टिंग के काम चल रहे हैं बच्चों पूरा पूरा दिन जो है लाइट जो है चली जाती है पूरा पूरा दिन जो लाइट चली जाती है तो थोड़ा मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है ओके शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन है बच्चों ड्रिलिंग मशीन यूज फॉर हैवी जॉब ड्रिलिंग मशीन यूज फॉर है प्रयोग करते हैं सेंसिटिव ड्रिलिंग बेंच टाइप मशीन न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन रेडियल ड्रिलिंग मशीन अकोर्डिनेट ड्रिलिंग मशीन कौन सी कौन सी यूज करते हैं बच्चों ठीक सबसे पहली बात है हैवी जॉब के लिए जो बच्चों हम यूज करते हैं हैवी जॉब के लिए हम हैवी जॉब के लिए क्या करते हैं फिक्स टाइप हैवी जॉब के लिए हम क्या करते हैं फिक्स टाइप करते हैं फिक्स टाइप क्या यूज करते हैं इसमें भी बच्चों फिक्स टाइप में अलग अलग होती है एक होती है मेरी बैंस टाइप एक होती बच्चों पिलर टाइप और एक होती मेरी कॉलम टाइप और चौथी होती है बच्चों मेरी रेडियल कौन सी होती है रेडियल और रेडियल की अगर मैं बात करूं बच्चों ये भी आपकी तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है एक होती है प्लेन रेडियल एक होती है बच्चों -radial. सेमी रेडियल सेमी रेडियल और एक होती है बच्चों यूनिवर्सल एक होती है यूनिवर्सल यूनिवर्सल तो बच्चों आ, आपके जो हैवी जॉब जो होते हैं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू साहब सर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के क्लास कब से लेंगे सर ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग ऑफिसर्स कौन सा आपका एमपी एमपी वाला वाला जो वाला जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है एमपी वाली जो ट्रेनिंग वैकेंसी आई आई है रेडियल ड्रिल मशीन सर वेल्डर का क्लास कंटिन्यू होगा कि नहीं वेल्डर बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा टॉपिक्स टॉपिक्स आपके 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 चलते रहेंगे। आपके जो है आपके चलते रहेंगे, अभी थोड़ा सा हम कर रहे हैं। आपके जो चलते हैं सल का क्लास नहीं आगे आपकी कंटिन्यू होती रहेगी तो हम कह रहे थे बच्चों की जो आपकी ड्रिल मशीन जो होती है वो दो टाइप की होती है एक होती है आपकी पोर्टेबल टाइप और एक होती है पोर्टेबल टाइप और पोर्टेबल टाइप भी बच्चों आपकी दो होती है एक मैनुअल होती है एक मैनुअल होती है और एक होती है आपकी कौन सी आपकी पावर एक मैनुअल होती है आपकी एक पावर मैनुअल में कौन सी आती है बच्चों आपकी हैंड ड्रिल ब्रेस ड्रिल ठीक रेचेट ये सारी की सारी आपकी मैनुअल में आती है पावर में कौन सी आती है बच्चों पावर में कौन कौन सी आती है जो आपकी, आ, इलेक्ट्रि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक आपकी जो आपकी इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ड्रिंग मशीन इसके अलावा बच्चों आपकी जो न्यूमेटिक होती है न्यू मैटिक ये भी आपकी किस में आती है पोर्टेबल में आती है तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग जो है पता होना चाहिए बच्चों इससे जो है हमारा क्वेश्चन जो है आता है इससे हमारा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना बच्चों सेंसिटिव टाइप बहुत छोटे काम करने के लिए जो सबसे छोटे काम अगर आपको करने हैं बहुत छोटे सेंसिटिव वर्क करने हैं तो इसके लिए जो है हम सेंसिटिव बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं और सेंसिटिव बेंच टाइप जो ड्रिलिंग मशीन होती है ये क्या होती है बेंच पे आपकी क्या हो जाती है बेंच बेंच पे आपकी फिक्स हो जाती है है के ऊपर क्योंकि ये छोटी होती है, बहुत सेंसिटिव और बहुत छोटे कार्य हो बहुत बहुत प्रिसाइस और एक्यूरेट अगर मुझे काम करना है तो वहां पर यूज करती है ठीक न्यूमेट्रिक ड्रिलिंग मशीन जो होती है आपने देखा न्यूमेट्रिक ड्रिलिंग मशीन जो होती है एयर से ऑपरेट होती है ये भी आपका पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में आता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होती है बच्चों बड़े अगर जॉब है आपके बड़े अगर जॉब है उसको इधर उधर उसको अगर मेरे को छेद करना है इस साइड भी करना है इस साइड भी करना है इस साइड भी करना है तो उसका मूवमेंट देना जो है बहुत टफ होता है तो यहां पर ऐसे ड्रिलिंग मशीन की जरूरत पड़ती है जिसका जो हेड है जिसका जो ड्रिल हेड है वो मूवमेंट कर सके अगर मुझे यहां पर करना है तो यहां पर ड्रिल हो सके ऊपर करना है तो ऊपर हो सके उधर एंगल पे करना है तो एंगल पे कर सके रोटेट हो तो मतलब इसके लिए बड़े जॉबों के लिए मेरे को क्या यूज करते हूं बच्चों रेडियल ड्रिल मशीन और रेडियल ड्रिल मशीन बच्चों अलग अलग होती है आपकी प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन सेमी रेडियल ड्रिलिंग मशीन यूनिवर्सल रेडियल मशीन इस इसमें जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन पर इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका जो आंसर होगा बच्चों यह क्या होगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन से कैसे अलग है बच्चों कैसे अलग है इसमें जो एक रेडियल आर्म होती है हैंगिंग आर्म होती है हैंगिंग आर्म होती है जो आपका कॉलम है जो पिलर है उसमें एक हैंगिंग आम होती है लटकी हुई आम होती है जिसको हम कहते हैं रेडियल आम इसको कहते हैं हम रेडियल आर्म बच्चों वो मूवमेंट कर सकती है वो सर्कुलर मूवमेंट भी कर सकती है वो क्या कर सकती है सर्कुलर मूवमेंट कर सकती है आपका सर्कुलर मूवमेंट उस पर लगा रहता है मेरा ड्रिल हेड और ड्रिल हेड भी उस पर उस आर्म पे मूवमेंट कर सकता है वो ड्रिल हेड जो है एक एंगल पे भी ड्रिल कर सकता है वो रोटेट भी कर सकता है ठीक तो ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा मोशन है ये इसको क्या बनाते हैं इसको बनाते हैं रेडियल ये क्या बनाते हैं इसको रेडियल ड्रिलिंग मशीन बनाते हैं तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा रेडियल ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा रेडियल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत ज्यादा अगर ड्रिलिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन से जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन टेपर सैंक ड्रिल आर टेकन आउट टेपर सैंक ड्रिल आर टेकन आउट ऑफ द स्पिंडल होल बाय टेपर क्वार्टर कॉल्ड जल्दी बताइए बच्चों जल्दी बताइए टेपर सैंक ड्रिल आर टेकन आउट जो टेपर क्वार्टर द्वारा सैंक ड्रिल को तरकु छिद्र से बाहर निकालने जाने को क्या कहते हैं या फिर किसके हेल्प से निकालते हैं किसके हेल्प से निकालते हैं टेपर सैंग ड्रिल आर टेकन आउट ऑफ होल बाय क्वार्टर द्वार जिस युक्ति से जिस युक्ति से टैपर सैंक जो ड्रिल होती है उसको निकाला जाता है आपने देखा होगा इस तरीके का होता है इस तरीके का आपका इस तरीके का एक होता है यहां पर क्या होती है टैंग है ये क्या है? आपकी टैंग है यहां पर एक छेद होता है यहां पर, यह पर क्या होता है एक छेद होता है ठीक फिर एक ड्रिफ्ट होती है एक ड्रिफ्ट होती है बच्चों

क्या होगा हैमर से वैसे ही जो है ये पार्ट जो है ये पार्ट जो है बच्चों क्या होगा ये पार्ट जो है ये क्या होता है आपका ये स्ट्रेट होता है ये क्या होता है आपका टैपर होता है और ये पार्ट जो है बच्चों ये पार्ट जो है टैंक को जो आपका टैंक होता है ऊपर वाला पोर्शन ऐसा ही ड्रिल के अंदर भी होता है ये इसको क्या करता है स्ट्राइक करता है और यहां से जो है यहां से जो है मेरी ड्रिलबिट जो है वो बाहर निकल जाती है क्या निकल जाती है ड्रिलबिट बाहर निकल जाती है तो इसको बोलते हैं बच्चों इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट अच्छा इसका टेपर कितना होता है आठ डिग्री से आठ डिग्री से उन्नीस डिग्री तक इसका टेपर हो दिया जाता है इतना टेपर जो है हम देते हैं ठीक तो इसका आंसर जो राइट आंसर जो होगा बच्चों को क्या होगा आपका ड्रिफ्ट इसका क्या होगा राइट आंसर होगा इतनी बात मेरी क्लियर होगी ठीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा भी जाता है पता होना चाहिए बच्चों आपको क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से पूछा जा सकता है कि स्लीव कब यूज की जाती है सॉकेट कब यूज किया जाता है सॉकेट कब यूज किया जाता है स्लिप कब यूज की जाती है स्ट्रेट जो आपका सेंक ड्रिल जो होता है वो कब यूज करते हैं कितने एमएम mm डायमीटर तक जो है हम स्ट्रेट जो है ड्रिल यूज करते हैं टेपर सेंग ड्रिल है कितने एमएम mm से ऊपर हम यूज करते हैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों तो ये पूछे जाते हैं सर मुझे वेल्डर का पर्चे, कोर्स परचेज करना है प्लीज इसलिए कैसे परचेज करेंगे ठीक बच्चों वेल्डर का अभी पेड कोर्स हमारा नहीं चल रहा है वेल्डर का हमारा कोई परचेज जो है आपका पेड़ कोर्स नहीं चल रहा है जैसे ही वेल्डर नंबर ऑफ क्वेरीज इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्वेरीज जितनी क्वेरीज जो है वेल्डर से आएगी उतना हम क्या कहते हैं अपना जो है कोर्स जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं बच्चों ठीक तो ये आपका पूरा का पूरा जो डिपेंड करेगा ये आपके डिपेंड करेगा बच्चों आपके नंबर ऑफ क्वारीज पे डिपेंड करेगा कितनी जो है वो वेल्डर से आती है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर यूज फॉर जिसको आप हिंदी में बच्चो पेंच कस भी आम भाषा में पेंच कस कहते हैं पेच को कसने का टूल पेच कस टूल पेज को कसने वाला स्क्रू ड्राइवर, ड्राइवर यूज फॉर टाइटनिंग स्क्रू हैविंग स्टार और क्रॉस ग्रूव क्या बोल रहा है आपने देखे होंगे कुछ पेजक आपने देखे होंगे कुछ स्क्रू ड्राइवर देखेंगे कैसा होता है वो स्क्वायर होता है आगे से उसकी जो नोक होती है वो कैसी होती है स्क्वायर होती है या फिर कैसे होती है क्रॉस में होती है तो वो पूछ रहा है बच्चों कि ऐसे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ज्यादा यूज करते हैं आपने देखा बच्चों इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो आपके जो आपकी बॉडी होती है आपका केसिंग होती है वो जो पूरी होल्ड किया होता है उसको तो जो जो बॉक्सिंग होती है वो जो आपका उसमें जो नट, होते है, नट होता है वो यही वाला होता है क्या कौन सा आपका स्टार वाला कौन सा होता है स्टार वाला तो बोल रहे हैं बच्चों इसके लिए जो है किस स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं इसके लिए जो स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं बच्चों वो कौन सा होता है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए कौन सा स्टार आगे से स्टार हो या फिर क्रॉस हो ऐसे स्क्रू ड्राइवर को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए ऑफ स्क्रू ड्राइवर वॉच मेकर स्क्रू रैचेट स्क्रू क्या कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए बच्चों जल्दी से बताइए ए शंकर कह रहे हैं ए और बच्चों कोई और से देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों ये तो आपको आना चाहिए ये तो बेसिक है बच्चों इंजीनियरिंग वर्कशॉप में कॉमन टूल बेसिक टूल्स की जानकारी हर हमेशा हर, हर किसी को होनी चाहिए चाहे वो किसी भी किसी भी ट्रेड से रिलेटेड क्यों ना हो जनरल इंजीनियरिंग में जनरल जो हम देखा है जब भी आपके इंटरव्यू होता है तो वर्कशॉप रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका और पुर, पूरा थ्योरी बेस पे नहीं जाएगा वो सबसे ज्यादा जो अगर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वर्कशॉप work, लेवल के पूछेगा वर्कशॉप के हैंड टूल्स आपसे पूछेगा तो आपको ये बेसिक नॉलेज जो है होना चाहिए फिलिप्स रोहित कुमार बोल रहे हैं फिलिप्स स्क्रू और ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों रोहित बिल्कुल सही बता रहे हैं आपका जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कौन सा होता है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कौन सा होगा फ्लूस स्क्रू

ठीक किसका आता है पेंच को कसने के काम आता है पेंच को कसने के काम जहां पर आपका फिट ना हो आम जो है तो आपका इसका क्या यूज होता है प्लायर यूज होता है जिसको आप आम भाषा में प्लास भी कहते हैं और इलेक्ट्रिशियन जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता जा है जा तो आपने देखा होगा एक प्लायर होता है उसकी नोज जो होती है बहुत लंबी होती है बहुत लंबी नोज होती है एक होता है इलेक्ट्रिशियन वाला इसका आगे वाली जो नोज होती है वो कैसी होती है बराबर होती है ठीक वो थोड़ी थिक होती है वो, उसकी वृत जो है वो ठीक ठाक होती है लेकिन एक होता है, नट विच आर प्लेट। बहुत पतला अगर गैप है कोई वहां पर मुझे कोई अगर प्लायर अगर डालना है तो कौन सा कहूंगा भवानी शंकर कह रहे हैं नोज प्लायर बिल्कुल सही आंसर है बच्चों इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा नोज प्लायर कौन सा होगा नोज प्लायर इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों इसका आंसर जो होगा क्या होगा आपका नो यूज प्लायर आगे हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं स्पेनर यूज टू टर्न नट बोल्ट माउंटेड इन डीपर प्लेस नितले स्थानों में आरोपित नट बोल्ट को फेरने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पनर स्पेनर कौन सा है बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर बताइए स्पिनर यूज टू टर्न नट बोल्ट माउंटेड इन डीपर प्लेस बहुत गहरे अगर गहरी अगर जगह पर बहुत गहरी पोजिशन में अगर हमारे जो है क्या है आपका नट बोल्ट है तो उसको टर्न करने के लिए उसको कसने के लिए उसको ढीला करने के लिए हम किस तरीके के स्पेनर का यूज करते हैं बच्चों जल्दी से बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए बच्चों जल्दी से इसका आंसर बताइए जल्दी से आंसर बताइए बच्चों जल्दी से, से रामचंद्र नायक कह रहे हैं डी नायक कह रहे हैं डी और बेगा और और लोग बच्चों और बताइए जल्दी बताइए बच्चों होगी होगी सब होगी सारी क्लासेस होगी मेरी बात सुनो वेल्डर वेल्डर आप मेटल्स भी पढ़ते हो आप वेल्डिंग के अलावा और भी तो टॉपिक पढ़ते हो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप और भी तो टॉपिक पढ़ते हो ठीक वो सारे के सारे कवर होंगे ही ट्रीटमेंट पढ़ते बच्चों सारे सारे का सारा कंप्लीट होगा आपका सॉकेट स्पिनर और कोई बच्चों और कोई ठीक नट एंड बोल्ड माउंटेन इन डीपर प्लेस के लिए यूज होता है बच्चों कौन सा आपका बॉक्स स्पिनर कौन सा यूज होता है आपका बॉक्स स्पेनर यूज होता है कौन सा होता है आपका बॉक्स स्पेनर ठीक आगे बढ़ते हैं हम रेंच यूज टू टर्निंग लार्ज डायमीटर पाइप ये तो बच्चों हम हम करा चुके हैं ये तो हम करा चुके हैं इसका आंसर अच्छा बताइए रेंच यूज फॉर टर्निंग अ लार्ज डाया पाइप बड़े डायमीटर के जो पाइप होते हैं उनको टर्न करने के लिए उनके व्यास को टर्न करने के लिए हम किस टाइप का किस टाइप के रेंच का प्रयोग करते हैं जल्दी से बताइए बच्चों खुशबू साहू सी बता रही हैं सी स्ट्रेप रेंच पिछले का बता रहे हैं भवानी शंकर बॉक्स बिल्कुल फॉर टर्निंग लार्ज डाया पाइप लार्ज के जो पाइप होते हैं बच्चों लार्ज के जो पाइप होते हैं उसको टर्न uh, करने के लिए उसके डायमीटर को टर्न करने के लिए उस पर अगर मुझे काम करना है तो उसको मैं कैसे होल्ड करूं कौन सा रिंच उसके लिए उपयोग होता है बी खुशबू साहू बोल रही है बी बी बोल रही है पाइप रिंच बोल रही है और कोई बच्चों और कोई बिल्कुल बिल्कुल दीपक कुमार सिंगरूल वेल्डर में कुछ भी नहीं आता प्लीज बच्चों मैं करा रहा हूँ ना मैंने बोला ना मैं करा रहा हूं करा रहा हूँ बच्चों इतनी क्लासेस लेनी होती है पेड कोर्स में यूट्यूब में है ना तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों और अगर आप मैंने आपको पहले भी कहा वेल्डर्स वालों के कि वेल्डर्स का पेड कोर्स बच्चों डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेरीज पे कितनी क्वेरीज आपकी आती है ठीक तो आज क्वेरीज आएंगे बच्चों तभी तो हम एक स्पेशल कोर्स जो है लॉन्च कर पाएंगे मैंने आपको पहले ही बताया बहुत मैन पावर लगती है बच्चों बहुत मेहनत लगती है अलग से बिल्कुल टाइमिंग एडजस्ट करनी पड़ती है तो बहुत सारी चीजें आप थोड़ा हमारे तरीके से भी सोचें थोड़ा ठीक हम थोड़ी, थोड़ी थोड़ी ना चाहते हैं कि बच्चों हम करें लेकिन सबका कवर करना होता है सबका कवर करना होता है बच्चों थीक? इसके लिए बच्चों कर चेन रिंच, रिंच। बच्चों मैं आपको पहले बता दूं पाइप जो होल्डिंग जो हम पाइप जो होल्ड करते हैं इसको क्या कर टर्न करने के लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं सिंपल उसे क्या कहते हैं रेंच लेकिन बड़े लार्ज डायमीटर लड़े बड़े लार्ज डायमीटर मैं ये कह सकता हूं साठ एम से ऊपर साठ एम एम से भी अगर आपके ऊपर है ठीक तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं चेन रेंच यूज करता हूं क्या यूज करता हूं चेन ये रेंच ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों डाइंग इज द ऑपरेशन डाई ठीक डाई एंड डाई स्टॉक डाई एंड डाई स्टॉक डाई एंड डाई स्टॉक ठीक डाई एंड स्टाई स्टॉक्स के माध्यम से हम क्या करते हैं बच्चों डाई एंड स्टॉक के माध्यम से क्या करते हैं ठीक और एक्सटर्नलर होगा तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा आंसर ए हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा ए आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा क्लियर हो गया ए आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा वाइज यूज फॉर ग्रिपिंग और जॉब इन वर्टिकल फॉर जॉब इन वर्टिकल हॉरिजेंटल एंगुलर पोजिशन किसी भी पोजिशन में अगर मुझे अपने जॉब को किसी भी पोजिशन में बच्चों अगर मुझे अपने जॉब को क्या करना है आ, आ, होल्ड करना है चाहे वो वर्टिकल पोजिशन हो चाहो तो मैं हॉर्जेंटल पोजिशन में करूं चाहे तो एंगुलर पोजिशन में करूं तो इसके लिए क्या यूज होता है बच्चों इसके लिए क्या यूज होता है इसके लिए क्या यूज होता है जल्दी से बताइए फास्ट जल्दी से बताइए बच्चों फास्ट बताइए डी एम आई स्टूडेंट अमित चक्रवर्ती कह रहे हैं डी यूनिवर्सल मशीन वाइस और बच्चों उसके लिए यूज होता है मशीन सॉरी उसके लिए यूज होता है बच्चों क्या आपका मशीन वाइस मशीन बाइस यूनिवर्सल मशीन बाइस क्यों नहीं होगा बच्चों यूनिवर्सल जो मशीन होती है यूनिवर्सल जो होती है वो बड़े बहुत बड़े जॉब्स को अगर उसमें काम करने के लिए बहुत बड़े जॉब्स अगर बड़े जॉब्स पे अगर मुझे काम करना है वहां पर आपका यूज होती है वहां पर आपका यूज होती है तो मशीन बाइस जो इसका सिंपल आपका आंसर हो जाएगा ये पर्टिकुलरली नहीं कि यूनिवर्सल मशीन बाइस ही होगा यूनिवर्सल तो कुछ भी हो सकता है आपका ड्रिलिंग भी हो सकता है मिलिंग भी हो सकता है लेकिन हमारा जो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों मशीन वाइस ठीक नेक्स्ट आंसर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो क्या होगा आपका अ बोल्ट गेटिंग टाइटन वेन रोटेटेड इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन बच्चों अगर बोल्ट बोल्ट को घुमा रहा हूं किसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बोल्ट को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाऊं ठीक या क्या बोल रहा है अब बोल्ट बोल्ट गेटिंग रोटेट इन डायरेक्शन को मैं घुमा रहा हूं तो वो टाइट हो रहा है और बोल्ट को कैसे घुमा रहा हूं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बच्चों जब भी नट या फिर बोल्ट क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाने पर नट टाइट होगा तो इसका मतलब होगा वो जो थ्रेड होगा वो कैसा होगा बी, बी 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 बोल रहे हैं बी बोल रहे है। हैं क्या होगा राइट हैंड थ्रेड देखो क्या बोलते हैं ये आपकी क्लॉक ये आपकी क्लॉक ये बज रहे हैं साहब यहां बारह ये बज रहे हैं छह और ये बज रहे हैं यहां पर तीन और ये बज रहे हैं यहां पर नौ ठीक अब क्लॉक वाइज क्या हो गया क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ठीक अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं अगर सामने से देखूं बच्चों तो सामने से अगर मैं देखूं सामने से देखूं मैं ऐसे तो ये क्या हो गया राइट right. ये क्या हो गया लेफ्ट हो गया तो क्लॉक में क्लॉक में ये देखिए सामने से जब भी देखूंगा बच्चों देखूं, सामने से जब भी मैं देखूंगा तो क्या होगा क्लॉक वाइज क्या होगा राइट हैंड साइड तो मतलब यहां क्या पूछा हुआ क्लॉक वाइज तो थर्ड कैसे होंगे राइट हैंड थर्ड होंगे इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर होगी और जब बोल्ट गेट इन टाइट एन वेन रोटेटेड इन एंटीकोलोज डायरेक्शन क्या होंगे थ्रेड जो होंगे वो क्या होंगे? Left thread. क्या होंगे होंगे बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर सिंगल स्टार्ट थ्रेड द लीड इज इक्वल टू ये पूछ रहा है एकल आरंभी चूड़ी के लिए लीड बराबर है ठीक सिंगल स्टार्ट थ्रेड सिंगल स्टार्ट थ्रेड सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है बच्चों क्या होता है लीड इज इक्वल टू क्या होता है पी क्या होता है ली वेर एल इज इक्वल टू लीड और पी इज पी क्या है यहां पर पिच है डबल स्टार्ट थ्रेड कब हो जाएगा डबल स्टार्ट थ्रेड कब हो जाएगा जब एल इज इक्वल टू टू पी होगा ठीक मल्टी स्टार्ट थ्रेड का मतलब मल्टी स्टार्ट थ्रेड का मतलब होगा बच्चों एल इज इक्वल टू एन P. इतनी बात मेरी क्लियर इतनी बात मेरी क्लियर ठीक जब लीड पिच के बराबर होगा तो क्या बोलूंगा सिंगल स्टार्ट थ्रेड ठीक एस में थ्रेड हैव एन एंगल बहुत तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों एस में थ्रेड का एंगल कितना होता है एस में थ्रेड का एंगल कितना होता है थ्रेड हैव एंगल ऑफ थ्रेड एस में, S में, thread का, angle S में thread का एंगल कितना होता है बच्चों एस तो में का एंगल जर बताओ जल्दी से बताइए बच्चों एस में thread का एंगल कितना होता है चलिए तो जल्दी से बताइए जल्दी से छापिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छापिए सिंह बोल रही है ए सिंह कह रही है ए ए होता है बच्चों बी कोई बी भी बोल रहा है बच्चों एस में का एंगल कितना होता है

जॉइडल थ्रेड भी कहते हैं ट्रेपेजॉइडल थ्रेड थ्रेड भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेपेजल थ्रेड किसको को एसमे थ्रेड एसमे थ्रेड इज ऑल्सो ट्रेपेजॉइडल थ्रेड या मैं कह सकता हूं कि एसमे थ्रेड जो है ट्रेपोजल थ्रेड की क्या है एक वैरायटी है इतनी बात मेरी क्लियर होगी आगे हम बढ़ते हैं बच्चों टू एक्सट्रीम परमिशल साइज बिटवीन विच एक्चुअल साइज इज कंटेन दो साइज है एक अपर लिमिट अपर लिमिट और एक है बच्चों लोअर लिमिट लोअर लिमिट ठीक ये आपका कोई बेसिक साइज है ये क्या आपका बेसिक साइज है ये बेसिक साइज है ठीक ये इसकी अपर लिमिट है ये आपकी लोअर लिमिट है तो वो पूछ रहा है टू एक्सट्रीम परमिशिबल साइज जो अलाउड है इसके बीच में जो साइज अलाउड है उसको हम क्या कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे उसको बोलेंगे हम बच्चों जो साइज इसके बीच में अलाउड होगा परमिसिबल यहां पर लिखा हुआ बच्चों परमिशिबल साइज क्या बोला परमिशिबल साइज चरम के नापों के बीच जो वास्तविक नाम अंतर्विष्ट है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों इंटरचेंजेबिलिटी क्या बोलते हैं हम इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी जब मास प्रोडक्शन होता है जब कोई चीज दो मैटिंग पार्ट्स है सपोज नट एंड बोल्ट सपोज एक इंडस्ट्री में आपका नट बोल रहा है या फिर एक मशीन एक इंडस्ट्री में आपका नट बन रहा है दूसरी इंडस्ट्री में आपको एक बोल्ट बना रहा है तो उस नट एंड बोल्टों में से कोई सा नट भी कोई से बोल्ट में भी फिट हो जा रहा है तो क्यों क्योंकि हमने वहां पर दिया एक टॉलरेंस दी हुई है एक परमिशिबल क्या दी हुई है एक परमिशिबल साइज दिया हुआ है एक दी कि इसके बीच जो है बनाना है और इसके बीच में जो साइज जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका फिट हो जाएगा इसी को कहते हैं हम इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी क्या बोलेंगे बच्चों इंटरचेंजेबिलिटी लिमिट लिमिट से क्या हो जाए बच्चों लोअर लिमिट अपर लिमिट वो नहीं पूछ रहा हो ठीक थोड़ा सा दिमाग लगाइए अच्छा ये बताइए बच्चों ये क्या है यह देख लिख रहा है बच्चों प्लस माइनस ये लिख रहा है पच्चीस प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसको मैं भी लिख सकता हूं पच्चीस क्या जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस फिर ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक तो ये किसका उदाहरण है ये किसका उदाहरण है यूनि लेटरल बोथ किसका उदाहरण है बच्चों जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी से छापिए बच्चों भवानी शंकर कह रहे हैं ए रामचंद्र नायक कह रहे हैं सी गौतम सिंह कह रहे हैं बाई लेटरल टॉलरेंस बच्चों देखिए यूनि टॉलरेंस क्या होती है जब एक जैसी हो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो जैसे आपका होगा आपका क्या होगा आपका प्लस कुछ भी होगा आपका दो जो टॉलरेंस है आपकी अगर टॉलरेंस टॉलरेंस केवल पॉजिटिव में हो टॉलरेंस केवल पॉजिटिव में हो ठीक जैसे आपका 25 ठीक आपका है क्या कहते हैं जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो फाइव यहाँ पर मैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव कर दू और यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो एट कर दू कुछ भी कर दू जीरो एट कर दो बच्चों दोनों पॉजिटिव में हैं दोनों क्या है पॉजिटिव में है और इसी को मैं नेगेटिव में कर देता पच्चीस माइनस माइनस जीरो जीरो या फिर माइनस कर दू जीरो पॉइंट जीरो ठीक या दोनों नेगेटिव में हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो इसको कहता हूं मैं यूनिलैटरल इसे कहता हूं बच्चों मैं बाई लेटर क्या है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है जब आपकी पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों होती है तो इसको कहूंगा मैं लेटर तो ये क्या बच्चों है आपका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा इंटेंशनल डिफरेंस बिटवीन द होल डायमेंशन एंड साफ डायमेंशन इज कॉल्ड इंटेंशनल देखो बच्चों एक चीज है इंटेंशनल इंटेंशनल डिफरेंस मतलब जान बुझ कर जान बुझ कर जान बुझ कर दी गई दी गई छूट जान बुझ कर दी गई छूट और जान बुझ कर दी गई छूट को हम क्या कहते हैं बच्चों क्या बच्चे? हैं जान बुझ कर दी गई छूट को क्या कहते हैं इंटेंशनली हम बोलते हैं ना इंटेंशनली करा मतलब कर करा इंटेंशनल तो कर डिफरेंस को, को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चों क्या कहा जाता है टॉलरेंस टॉलरेंस गौतम सिंह स्लिप सिंह कह रहे हैं क्लियरेंस भावी सिंह कह रहे हैं इंटरफेरेंस बचाओ मैं कह रहा हूं बच्चों जान बुझ कर दी गई छूट जान बुझ कर जान बूझ कर दी गई छूट को हम क्या कहते हैं बच्चों अलाउंस कहते हैं क्या कहते हैं अलाउंस कहते हैं और अलाउंस अगर अलाउंस अगर पॉजिटिव होगी तो क्या होगा क्लियरेंस फिट होगा क्या होगा क्लियरेंस फिट होगा अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा बच्चों तो क्या होगा इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस फिट होगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर अलाउंस बच्चों पॉजिटिव है अलाउंस अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा आपका क्लियरेंस फिट uh, है ठीक और नेगेटिव होगा तो क्या होगा बच्चों इंटरफेरेंस फिट इतनी बात क्लियर होगी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरफेरेंस फिट इनमें से कौन सी इंटरफेरेंस फिट नहीं है जो लूज फिट होगी वो इंटरफेरेंस फिट नहीं है तो यहां पर जो एक आंसर जो है सीधा डी लिख रहा है रनिंग फिट कोई चीज रनिंग फिट है मतलब लूज फिट है ठीक तो ये तो इंटरफेरेंस हो चाहिए इंटरफेयर होगी एक दूसरे पे बिल्कुल बिल्कुल टाइट होगी हो ही नहीं रहा ठीक इसको फॉलोइंग इज नॉट ये भी इंटरफेरेंस फिट है ये भी इंटरफेरेंस फिट है ये भी इंटरफेरेंस फिट है रनिंग फिट जो है रनिंग फिट है आसानी से जो है आपका जो है रन कर, कर रहा है आपका आपका आसानी से रन कर रहा है किसमें आपका इसमें तो इसको मैं क्या बोलूंगा इसको क्या कहूं मैं रनिंग फिट क्या बोलूंगा रनिंग फिट और रनिंग फिट जो है इंटरफ्रेंस फिट नहीं होता है तो डी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लियरेंस क्या हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लियरेंस फिट निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट नहीं है स्लाइड फिट रनिंग फिट श्रिंकेज फिट लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लियर फिट कौन सा इसमें से क्लियरेंस फिट नहीं Slide fit भी fit है बच्चों स्लाइड फिट 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 भी भी है है रनिंग आपका लूज वन फिट भी है कौन सा है बच्चों लास्ट ऑप्शन का पता नहीं लग रहा ना थोड़ा कट रहा है ना ये चलो कोई नहीं इसको देखता हूं बोल्ट यूज फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन ऑन अ ग्राउंड इज कॉल्ड ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसका बताइए बोल्ट यूज फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन ऑन अ ग्राउंड इज कॉल्ड बोल्ट यूज फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन ऑन अ ग्राउंड इज कॉल्ड बोल्ट यूज फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन ऑन अ ग्राउंड इज कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों जल्दी से बताइए सी 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 फाउंडेशन बोल्ट बिल्कुल बच्चों बिल्कुल 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 फाउंडेशन बोल्ट बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ठीक ये कि आपका फाउंडेशन बोल्ट है इसका बच्चा थोड़ा सा कट रहा है ठीक थोड़ा सा कट रहा है पता नहीं क्या प्रॉब्लम से इसका कट रहा है लास्ट ऑप्शन के साथ मैं इसको बोलूंगा आपका ठीक विच द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लियरेंस फिट क्या बोल रहा है यहाँ पर कौन सा इसमें से क्लियरेंस फिट नहीं है ठीक स्लाइड फिट्स क्लियरेंस फिट है रनिंग फिट्स है ठीक तो आपका सी लग रहा है यहाँ पर ये नीचे जो है आपका पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ठीक तो ऑप्शन जो है अभी तीन के हिसाब से कौन सा होगा आपका ये होगा बोल्ट हैविंग रिंग सेव्ड हेड क्या बच्चों एक मिनट ये हो गया ना बोल्ट यूज फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन ऑन अ ग्राउंड क्या था बच्चों इसका आंसर क्या है ग्राउंड ग्राउंड इंस्टॉलिंग मशीन ग्राउंड के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों क्या यूज करते हैं हम फाउंडेशन बोल्ट इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कौन सा है सी आंसर सही है बिल्कुल बिल्कुल ऑल इन वीडियो लेक्चर कह रहे हैं सी बिल्कुल सी है ऑल इन फिर वीडियो भर कह रहे हैं डी डी कैसे होगा बच्चों स्क्वायर हेड बोल्ट कैसे हो जाएगा क्या होता है आपका फाउंडेशन बोल्ट होता है मशीन की फाउंडेशन को मशीन की फाउंडेशन को मशीन की ग्राउंड अगर फाउंडेशन करनी है तो हम क्या यूज करते हैं फाउंडेशन बोल्ट लास्ट वाला लोको लूज रनिंग फिट मैं स्टूडेंट कह रहे हैं सर वो इंटरचेंजेबली आंसर नहीं होगा वो वाला क्वेश्चन आर आरबी एल पी दो हजार इक्कीस में आया था प्लीज चेक इट बेटा हाँ मैं चे, इसको चेक करूंगा मैं चेक चेक करूंगा इसको ठीक लेकिन परमिसिबल साइज है दो परमिसिबल साइज है देखो दो परमिशल साइज को बच्चों रिमिट भी कहते हैं लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेबल साइज जो है दो परमिशल के बीच एक्सेप्टेबल साइज है ठीक वो क्या है एक बार दोबारा देख लेते हैं ये बच्चों टू एक्सट्रीम परमिशिबल साइज बिटवीन टू एक्सट्रीम परिटवीन साइज इज बीच रहता है बच्चों बच्चों देखो क्या क्या होगा permissible size. एक limit of size क्या होगा बच्चो? एक एक ऊपर वाला इसके और एक इसके भी ये क्या होगी आपकी योगी हो आपकी लिमिट होगी ये क्या होगी आपकी योगी हो आपकी लिमिट ऑफ साइज मैं आपको समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि क्योंकि लिमिट भी आपका क्या होता है परमिशबल साइज है लेकिन टू तो एक्सट्रीम परमिशिबल साइज बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेन्ड ठीक तो बच्चों इंटरचेंजेबिलिटी में कुछ इससे रिलेटेड ही होती है इंटरचेंजेबिलिटी कि कोई साइज अगर हमने कोई दे दिया वो इसके बीच का है और उसका दूसरा जो पार्ट है उसको मेल करना है तो इसका जो आंसर है बच्चों ठीक लिमिट ऑफ साइज जो लिमिट ऑफ साइज भी तब होता है अगर आपको दो परमिसेबल साइज लिखा होता है अगर कि दो परमिसेबल साइज के जो दो परमिसेबल जो साइज है उसके बीच का जो आपका साइज है या उसके बीच की जो आपका रिश्ता वो

ये क्या बच्चों बोल्ट हैविंग रिंग सेव्ड हेड यूज्ड इन हैवी बोल्ट हैविंग अ रिंग सेव्ड हेड यूज्ड इन हैवी इलेक्ट्रिक मोटर एंड अदर मशीन फॉर प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी फॉर लिफ्टिंग इज कॉल्ड ये तो बताइए बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कौन सा ट्रेड पढ़ा रहे हैं सर बताइए सर प्लीज MP का मैकेनिकल ट्रेड के लिए कोर्स है क्या बच्चों यहाँ पर जो हाँ अभी हमारा पे चलता है फिटर चलता है आपका वेल्डर चलता है ठीक इस मशीनिस्ट वो लेकिन अभी जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है वो चल रहा है हमारा सिर्फ और सिर्फ फिटर का चल रहा है अभी पेड कोर्स हमारा ओनली फिटर का चल रहा है बिल्कुल बच्चों क्या होगा इसका आंसर क्या होगा आपका आई बोल्ट क्या होगा इसमें आई बोल्ट आपने देखा होगा कुछ मशीनरी देखी होगी कुछ मशीनरी देखी होगी या फिर कुछ हैवी मोटर्स देखी होगी बच्चों उसमें पीछे क्या लगा रहता है एक आई बोल्ट लगा रहता है किस लिए ताकि उसको लिफ्ट करना पड़ेगा है, अगर हैवी है बहुत ज्यादा हैवी है उसको अगर लिफ्ट करना हो तो उस आई बोल्ट किस तरीके का होता है कुछ इस तरीके का होता है कुछ इस तरीके का आपका होता है आई बोल्ट कुछ इस तरीके का होता है और यहां पर क्या होते हैं आपके थर्स बने होते हैं ठीक ये आपका क्या हो ये क्या है आपका आई बोल्ट होता है तो आप क्या कर सकते हो आसानी से इसको इसको ये आपका फिक्स होता है किसमें आपका मोटर या फिर मशीन में और आसानी से आप इसको लिफ्ट करके कहीं पर भी मूव कर सकते हैं तो इसका आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा आपका आई बोल्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नट लॉकिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नट लॉकिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा नट पासन प्रणाली नहीं है ठीक फॉलोइ इज ए नॉट नट लॉकिंग सिस्टम नट के साथ जब नट के साथ हम लॉक करते हैं तो कौन कौन सी चीजें जो बच्चों नट के साथ आप ये विंग नट जो है अलग प्रकार का नट है और विंग नट जो है जनरली कहां पर देखने को मिलता है हमें कहां पर देखने को मिलता है बच्चों विंग नट कहां पर देखने को मिलता है जल्दी से बताइए विंग नट कहा पर देखने को मिलता है विंग नट कहां पर देखने को मिलता है बच्चों विंग नट हमें देखने को मिलता है जल्दी से बताइए विंग हेक्सो हेक्सो देखा आपने हेक्सो देखा बच्चों आपने Hexaw देखा है। की जो लास्ट में आपने देखा होगा आपको एक नट लगा रहता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं विंग नट चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल ये तो बताओ आसान है चेंज इन टू ओरिजिनल चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं स्ट्रेन विकृति क्या कहते हैं strain विक्रती. Strain विक्रती. कोई भी यूनिट नहीं होती है नो यूनिट इसकी कोई भी यूनिट नहीं क्वेश्चन कोई यूनिट नहीं होती है कोई भी यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की तो चेंज इन लेंथ लंबाई और मूल लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इसी को क्या कहते हैं बच्चों स्ट्रेन क्या बोलते हैं हम हम इसको इसको स्ट्रेन विकृति और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है आगे हम बढ़ते हैं बच्चों द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी सेव्ड टू वायर बाई ड्रॉइंग प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी सेव्ड टू वायर बाय ड्रॉइंग प्रोसेस इज कॉल्ड धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार का बना सकते हैं क्या कहलाते हैं वो प्रॉपर्टी मेटल की वो प्रॉपर्टी बच्चों मेटल की वो धातु की वो प्रॉपर्टी जिससे उसको बारीक वायर में इसको बहुत खींचा जा सकता है ठीक जिसको आसानी से इसको वायर में खींचा जा सकता है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों

तो इससे भी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से भी, भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। प्रॉपर्टी बिल्कुल होने दो वो क्या होगा हार्ड होगा जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना उसको काटना कठिन होगा वो रेजिस्ट करेगा कटिंग को तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका हार्डनेस क्या हो जाएगा आपका हार्डनेस कठोरता इतनी बात क्लियर होगी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फेरस मेटल तो आसान है बच्चों कौन सा फेरस मेटल है फेरस मेटल देखो मेटल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों हम क्या पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं हम फेरस फेरस एक पढ़ते हैं नॉन फेरस नॉन फेरस फेरस का मतलब है बच्चों जिसमें जिसमें एफ ई Fe और एफ ई क्या होता है लोहा एफ ई की मात्रा होती है एफ ई की मात्रा होती है एफ मतलब आयरन और नॉन फिर क्या होता है जिसमें एफ ई एफ ई एफ ई की मात्रा बिल्कुल नहीं या बहुत कम बिल्कुल नहीं या बहुत कम होती है या बहुत कम होती है वो होता है नॉन फेस फेरस कहा है आपके का आयरन हुआ आयरन हुआ कास्ट आयरन हुआ आयरन हुआ, आईरन हुआ, हुआ स्टील हुआ आपका स्टेनलेस स्टील okay. हुआ स्टेनलेस स्टील एलोय स्टील हुआ एलोय स्टील हुआ ये सब के सब क्या है बच्चों ये सारे के सारे क्या है आपके फेरस मटेरियल है लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम ये सब सही तमाम चीजें जिंक ठीक लेड ये सारी चीजें क्या है बच्चों आपकी ये क्या है आपके नॉन फेरस मेटल है ये क्या आपके नॉन फेरस मेटल तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील ठीक मेटल से भी बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटल से मेटल जो है कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस क्या क्या का क्या, 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 क्या किस लिए यूज होती है ठीक ब्लास्ट फर्नेस से मिलने वाला जो लोहा है उसे क्या कहते हैं ठीक ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग फर्नेस में अगर हम क्यूपोला में करते हैं तो कौन सा आयरन मिलता है अगर पडलिंग फर्नेस में करता है तो कौन सा आयरन मिलता है तमाम अलग बेसमेर एल एनडी प्रोसेस इन सब में करते हैं तो कौन सा आपको स्टील मिलता है तो ये सब तमाम चीजें जो है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टील हैविंग 18 परसेंट क्रोमियम 8 परसेंट निकिल ठीक 8 परसेंट निकिल तो क्या बन जाता है निकिल अगर स्टील में मिला दें तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है अगर क्रोमियम और निकिल हम बना दिए और अगर कौन सा बन जाता है स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील में कौन सा होता है बचाइए और टाइप की अगर मैं बात करूं ऑस्टेन टाइटिक ऑस्टेन टाइट ऑस्टेनाइटिक ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील और इसको स्टेनलेस स्टील क्यों बोलते हैं बच्चों स्टेन का मतलब होता है स्टेन का मतलब होता है स्टेन स्टेन का मतलब होता है जंग क्या होता है जंग स्टेन का मतलब होता है और, और मतलब जंग और स्टेनलेस मतलब जंगरोधी मतलब जंग रोधी इसे बोलते हैं इसलिए स्टेनलेस स्टील और ये काम किसने किया यह काम किया बच्चों क्रोमियम ने क्रोमियम क्या करता है इसको जंग रोधी बनाता है क्या बनाता है बच्चों उसको जंग रोधी अलग अलग टाइप के स्टील होते हैं बच्चों ऑस्टोनाइटिक स्टेन मार्टन साइटिक स्टेनलेस स्टील ठीक मेलेवेल और आपका बहुत जी है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील ठीक तो आपको अलग अलग टाइप के पता होना चाहिए आपका कि ऑस्टोनाटिक क्या है मार्टन साइटिक क्या है फेराइटिक स्टेनलेस स्टील क्या है कैसे ये बनते हैं और 18 एक पूछना एक आता है बच्चों 18 रेशियो फोर रेशियो वन एच एस एस एच एस एस ये क्या है हाई यह क्या है? है जिसमें बच्चों 18 परसेंट जो होता है वो क्या होता है टंगस्टन 4 परसेंट जो होता है वो क्या होता है आपका क्रोमियम और एक जो होता है क्या होता है वेनेडियम ठीक तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आगे हम बढ़े द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द अपर सर्फेस ऑफ द कार्बन स्टील इज कॉल्ड अपर सर्फेस हार्डनिंग द अपर सरफेस पूरी नहीं पूरी नहीं पूरी सरफेस को हार्ड नहीं करना बच्चों केवल क्या करना है अपर सरफेस ऑफ कार्बन स्टील और उसको क्या कहते हैं बच्चों हम उसको क्या कहते हैं केस हार्डनिंग केस हार्डनिंग और इसी को सरफेस हार्डनिंग भी कहते हैं इसी को सरफेस हार्डनिंग भी कहते हैं और सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कौन कौन सी है बच्चों कार्बोराइजिंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कौन सी है एक कार्बोराइजिंग कार्बोराइजिंग ठीक दूसरी नाइट्राइडिंग तीसरी साइनाइडिंग इसके अलावा बच्चों इसके अलावा और भी आपकी सरफेस हार्डनिंग इंडक्शन हार्निंग है फ्लेम हार्डनिंग है इंडक्शन इंडक्शन हार्डनिंग है आपकी फ्लेम हार्डनिंग है फ्लेम हार्डनिंग है ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ये क्या बचो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इसमें जो केवल सरफेस मेटल की धातु की परत दो तीन एम एम अंदर तक दो तीन चार एम एम अंदर तक जो है आपकी सरफेस की वो क्या होती है आपकी हार्ड की जाती है ताकि आपका एब्रेशन आपका वियर जो है होने से उसको बचाया जा सके सरफेस को हार्ड बनाया जा सके इतनी बात क्लियर होगी बच्चों केस हार्डनिंग ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं बच्चों द गियर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन राइट एंगल राइट एंगल राइट एंकर पैरेलल में अगर मुझे करना हो बच्चों यहां से एक साफ्ट ये है एक साफ्ट ये है यहां से यहां से अगर यहां पावर ट्रांसमिट करनी है तो मैं क्या यूज करता हूं कि ये क्या है पैरेलल पैरेलल साफ्ट साफ्ट पैरेलल साफ्ट मैं अगर पावर ट्रांसमिट करनी तो मैं यूज करता हूं इस पर गियर इस पर गियर लेकिन वो पूछ रहा है राइट एंगल क्या पूछ रहा है राइट एंगल ठीक एक बच्चों ये है ठीक और एक गियर मेरा ये है ठीक एक साफ्ट ये है ठीक साफ्ट कितना है राइट एंगल 90 डिग्री पे साफ्ट है ये पहला नहीं है 90 डिग्री पे है ठीक तो इसके लिए यूज करते हैं बच्चों इसके लिए हम पावर ट्रांसमिट करनी हो आपका गियर के माध्यम से तो कौन किस गियर से, होगा? वो होगा बच्चों, गियर के से बिल्कुल सही है बच्चों, वैवल गियर. P, बच्चों ये तो का क्वेश्चन है पाइप फिटिंग का क्वेश्चन है जल्दी से बताइए पाइप फिटिंग का क्वेश्चन है जल्दी से बताइए पाइप पाइप फिटिंग का क्वेश्चन है इज टू टू कपल हैविंग डिफरेंट डायमीटर दो पाइप है जिसकी डायमीटर जो है बच्चों अलग अलग है ठीक अगर सपोज बच्चों एक ये पाइप है ठीक और इसके बाद थोड़ा सा छोटा पाइप है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों हम यूज करते हैं एक रिड्यूजर क्या यूज करते हैं इसको बोलते हैं बच्चों रिड्यूजर रिड्यूजर यूज करते हैं इसको बोलते हैं बच्चों क्या ठीक ये है आपका डी और ये है आपका स्मॉल डी ये है आपका स्मॉल डी ये इसको कहता हूं क्या बोलता हूं रिड्यूजर वो कनेक्ट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों कट इन वाटर कौन सी थ्रेड काटी जाती है बच्चों जल्दी से बताइए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बच्चों जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए पाइप पे कौन सी थ्रेड काटी जाती है बी एसडब्ल्यू जल्दी से बताइए बता, जल्दी से बताइए इसका जल्दी से बताइए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों जल्दी से बताइए बीएसपी बिल्कुल सही बच्चों बीएसपी क्या आती है बीएसपी एंगल कितना होता है कोण कितना होता है कोण कितना होता है पचपन डिग्री कितना होता है आपका पचपन डिग्री इसका कौन होता है इन थ्रेड्स का और बच्चों अगर मैं बात करूं गह, अगर मैं बात करूं किसकी आपकी डेप्थ की तो डेप्थ कितनी होती है कोई मुझे बताएगा बताएगा कोई मुझे डेप्थ कितनी होती है कितनी होती है डेप्थ अगर मैं डेप्थ बोल रहा हूं बच्चों डेप्थ मतलब गहराई तो कितना होता है बच्चों पॉइंट सिक्स फोर जीरो थ्री पीछ या फिर कभी कभी जो है इसको आपको फोर भी लिखता है बच्चों ठीक इतनी बात क्लियर होगी और हमेशा बच्चों ध्यान रखना आपके जो इसके जो टीथ होते हैं जो इसके टीथ होते हैं ये कैसे होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं ये नीचे से शार्प नहीं होते हैं ऊपर से नीचे से नीचे से क्या होते हैं आपके नीचे ऊपर नीचे से ऊपर से क्या होते हैं ये राउंडनेस होती है क्या होती है आपकी ये क्या होती है गोलाई होती है गोलाई होती है और गोलाई होगी तो बच्चों कुछ त्रिज्या भी होगी इसकी तो मैं कह सकता हूं रेडियस रेडियस या फिर मैं बच्चों बताऊं त्रिज्या त्रिज्या की कि, कि, त्रिज्या कितनी होती है ये होती है बच्चों 0.13 पी जहां पर पी क्या बच्चों ये पी क्या है यहां पर पी क्या है आपकी पिच पी आईटी सी एच पिच और पिच क्या होता है बच्चों पिच क्या होता है पिच क्या होता है पिच क्या होता है वन अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ टीथ पर इंच नंबर ऑफ टीथ पर इंच नंबर ऑफ टीथ पर इंच क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ टीथ पर इंच इतनी बात क्लियर होगी इतनी बात मेरी क्लियर होगी ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू बच्चों आ, कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पे ठीक थोड़ा सा बच्चों लाइट के कारण थोड़ा यहां पर मैंने आपको बोला था थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है स्मार्ट सिटी का काम का 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 चल रहा है लाइट स्पोर्ट शिफ्टिंग का काम का का चल रहा है पूरे के पूरे दिन भर जो है लाइट थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है कुछ दिन से देखो कुछ दिन में प्रॉब्लम सही हो जाएगी ओके थैंक यू बच्चों थैंक यू सो मच